बता रही हूँ, ये मुझे मना कर रही है, मेरा फेस मत लेना, मैं अच्छी नहीं लग रही आज। लेट आवर ठीक है, और शीशे में देख के तू ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग भी मैं अकेले ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज भी निखिल का शूट है और वो शूट पे ही गया हुआ है अभी भी। कल आएगा वो, मतलब कल वो शाम को उसका शूट है, तो मतलब दिन में वो फ्री है, तो कल हम दोनों इकट्ठे व्लॉग बनाएंगे। पर आज फिर से मैं अकेले बनाऊंगी, पर ऐसे मत सोचना कि मैं अकेली हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन आई हुई है, कजन बहन, तो अभी तो दूसरे वाले रूम में है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, शायद जूडियो जा रहे हैं, वो बोल रही है कि जूडियो चलते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है मुझे, तो फिर अभी हम दोनों जा रहे हैं जूडियो। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के पास। अरे इसने तो अंधेरा करके रखा हुआ, शायद वॉशरूम में होगी। ईशा तो इस वाले रूम में नहीं है, देखो कैसे बैठी है। वो ना पढ़ाई कर रही थी, तो इसने कॉपीज वगैरह ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि उसका पेपर है कल। ऐसे ही जा रहे हैं अभी तो हम घूमने के लिए, क्योंकि पूरा दिन वो पढ़ पढ़ के बोर होगी। तो गाइस मेरे से तो लॉक हो नहीं रहा, पर मेरी बहन कर रही है, यहाँ पे लॉक हो रहा है तेरे से। हो गया, इससे हो गया लॉक, मेरे से तो हो ही नहीं रहा था, मेरे को तो आधा घंटा हो गया लॉक करते करते। तो गाइस अभी हमें ऑटो नहीं मिल रहे हैं, तो हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं, थक गए हैं यार, आज हमें कोई भी ऑटो नहीं मिला, और यहाँ पे आगे आगे जा रही है, और इसका फेस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये मुझे मना कर रही है, मेरा फेस मत लेना, मैं अच्छी नहीं लग रही आज। शट अप, ऐसे ही बोला है तूने, ठीक है, मैं फेस दिखाती हूँ ना तेरा, तू अच्छी नहीं लग रही तभी नहीं मैं तेरा फेस उठा दिखा रही हूँ। अच्छा गाइस, जूडियो में हमें इतने सारे कपड़े अच्छे लगे थे, मैंने और उसने बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, पर हमने सोचा बिलिंग से पहले कि एक बार हम ना ऊबर कर लेते हैं, अब भैया एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कपड़े हम ले लेंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि इतने सारे सामान हम कैसे उठा के लाते, एक तो पहले भी पैदल गए, आते टाइम भी पैदल आएंगे, अगर इतने ज्यादा थक गए थे हम ना, तो फिर अब तीन चार दिन बाद निखिल आएगा, शूट से फ्री हो जाएगा, तो फिर उसके साथ जाएंगे हम, तो फिर लेंगे हम कपड़े वहां से। गाइस अभी निखिल आया है तीन चार दिन बाद घर, और अभी बाहर वेट कर रहा है वो मेरा, तो मैंने गेट खोल दिया है, लेने आना पड़ेगा। अच्छा इतना सेलिब्रिटी है तू, अच्छा चलो क्या पकड़ो, क्यों नौकर हूँ मैं तेरी। इसने मेरा कुली बना के रख दिया है यहाँ पे, इतने सारे सारा सामान तो मेरे पास ही दे दिया, अपने आप क्या उठाया है, बस एक फ्रेम, एक फ्रेम, कितना गंद हो रहा है, तो चल झाड़ू पोछा करेगा गाइस आज निखिल। अरे रात को बारिश हुई थी ना, रात को बारिश हुई थी, जब मर्जी हुई थी, उसकी वजह से पड़ गया गंद यहाँ पे। तो इतने दिनों बाद घर पे आया है, मेरे ब्लॉग्स में बात तो कर ले, मतलब हमारे। अभी मैंने सामान अपना रख दिया है ठीक है यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना रीचू, अब मैं जा रहा हूँ सोने, दो तीन चार घंटे सोऊंगा, क्योंकि शाम को एक और शूट है ना, तो इसलिए मैं आराम से मस्त सोऊंगा, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना तूने, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या बोल रहे, इतने दिनों बाद आया है फिर भी इतनी सी बात बोल रहे, नींद आ रही है मेरे को तो, जाने दे मेरे को। अभी निखिल के लिए बना रही हूँ मैं चाय, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कब बोला बनाने, बोला मैंने या यार मैं पहली बार बिना बोले बना रही हूँ, फिर भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है। बताइयो सोऊंगा कब, तो रहने दे बंद कर देते, रहने दे बना ले देगा। अच्छा पीनी तुझे भी है, ये क्या गंद पा रखा है किचन में यार, यार क्या गंद है, तुझे गंद ही दिखता है। ठीक है चल जा यहाँ से, ले आऊंगी मैं तेरे लिए चाय। सॉस की बोतल क्यों रखी है यहाँ, क्यों ऐसे ही रखी हुई थी। अच्छा प्रैंक कर रही होगी पहले जैसा, कैसा प्रैंक, तेरे पे मैं प्रैंक ही करती रहूँ, और क्या करती है तू, सॉस डाल के ले आएगी उस दिन की तरह, पागल हूँ मैं, इतना सही दूध है, घी गिरा दिया 5 किलो, कहाँ गिराया घी, खाली डब्बा है वो, ठीक है
इस यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। इस निखिल बोल के गया था ना अभी कि मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है तू। पहले तो मैं प्रैंक नहीं कर रही थी उसके साथ, पर अब पक्का प्रैंक करूंगी। और अब मैं करने वाली हूँ उसके साथ टूथपेस्ट वाला प्रैंक, जो कि रिवेंज लूंगी, क्योंकि उसने भी मेरे साथ किया था ना जब मैं सोई थी। याद करो, याद क्या करोगे आप, देख ही लो। देखो देखा आप लोगों ने, ये वाला प्रैंक किया था उसने मेरे ऊपर। अब मैं भी उसके साथ यही करूंगी। जब तब तक वो सोएगा नहीं ना, तब तक मैं उसको चाय नहीं दूंगी और मैं उसके सोने का वेट करूंगी। वैसे भी वो सो ही जाएगा। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं निखिल को देखने, वो सो गया कि अभी तक उठा हुआ है। गाइज निखिल गया है सो, और अब ले जाती हूँ मैं उसके लिए चाय। तो गाइज निखिल को इस वाले कप में चाय पीना अच्छी नहीं लगती, पर मैं फिर भी इस वाले कप में लेके जाऊंगी उसको, क्योंकि यार इतने दिनों बाद आया, तंग करने का मजा ही कुछ और आएगा आज तो। और चाय के साथ साथ मैं टूथपेस्ट और ब्रश भी ले आई हूँ, लगाती हूँ इसको, काफी है इतना। तो गाइस अभी चलते हैं निखिल के पास और करते हैं प्रैंक स्टार्ट। निखिल निखिल ओए निखिल निखिल, यार इतनी पक्की नींद। निखिल उठ उठ, चाय बन गई तेरी। मैं इसको उठा रही हूँ, ये उस साइड जा रहा है। निखिल उठ यार, चाय बन गई, ठंडी हो रही है। एसी लगाया हुआ है, एसी की वजह से ठंडी हो रही है। उठ जा पीले, फिर सो जा, उठ जा। ये क्या नखरे कर रहा है यार, पहले तू बोलता है चाय पीनी है, फिर बोलता है कुछ नहीं बोल रहा। अब लाई हूँ तेरे के लिए मैं चाय, रख दिए मैंने, ठंडी हो गई, पहले ही ठंडी हो गई। उठ जा उठ जा उठ ना, उठ जा यार। रख दो काम पे। ये तेरे लिप्स के पास क्या हुआ है, फट गए होंठ, बताना जरा। वैसलीन लगा दो, बताना जरा। ले लगाऊं वैसलीन, हट वैसलीन भी लाई हूं मैं। उठ ई आ याद कर याद कर, तूने भी मेरे साथ ऐसा ही प्रैंक किया था। ब्रश कर फिर उसके बाद चाय पी। क्या ब्रश कर, चार दिन से तूने ब्रश नहीं किया होगा। किसने कहा, मेरे को पता है ना, मेरे बैग में ब्रश है, मेरे को पता है ना। वो तो तू ऐसे ही ले जाता है लोगों को दिखाने के लिए। हाँ अच्छा हाँ, मेरे कैमरे के बैग में हमेशा ब्रश और कोलगेट हमेशा रहता है। वो तो तूने ऐसे दिखाने के लिए रखा हुआ है लोगों के लिए, कि भाई लोगों को लगे कि नहीं मैं ब्रश करता हूँ, करता तो है नहीं। एक तो मैं पांच दिन से सोया नहीं हूँ, ठीक है, तो ब्रश करना। ऊपर से तू मुझे सोने नहीं दे रही है, पहले ब्रश कर फिर दो तीन घंटे मिले सोने को, सोने दे, फिर मेरा शूट है शाम को, शाम को कर लेता मैं सो के उठ के। कर ब्रश अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। जा तू कहाँ जाएगा, बंद करूंगी। जा कर ब्रश कर, कर ब्रश। क्या हो रहा है तुझे, जाना अपना दिमाग मत चलाया कर, ठीक है। क्या क्या तूने किया, मैंने तेरे को बोला था ना कि मैं शाम को उठ के सब कुछ मैं नहाऊंगा भी, ब्रश भी करूंगा, खाऊंगा भी। अब तेरे को चाय लाई थी मैं पीने के लिए, तो तेरे को ऐसे ब्रश के बिना तू चाय कैसे पीता, कीड़े लग जाते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है, दांत में कीड़े लग जाते हैं। मैं मार मोड़ दूंगा, मार के दिखा, हाथ ना तोड़ दूंगी मैं तेरा। रिचू हाथ दे तेरी, ठीक है। क्या हुआ, अगर आगे से मेरे साथ ऐसे प्रैंक किया ना देख लियो तू। अच्छा तूने किया था मेरे साथ ऐसा प्रैंक, बात प्रैंक की नहीं है, ठीक है, हर बात पे प्रैंक नहीं चलता यहाँ पे। मतलब जब तेरे को पता है ना मैं शूट से आया तो मेरे को रेस्ट चाहिए, तो प्रैंक करी जा रही है फालतू में। तूने किया था मेरे साथ, मैं भी सोई थी, एक दिन मैं थकी हुई थी, जब मैं सो के उठूं उसके बाद कर लेती प्रैंक। क्यों, मेरे को तो अभी करना है, कोई बात नहीं, मैं बदला लूंगा ना, फिर मत रोइयो मेरे से। क्या क्या कर लेगा कर, वैसे भी मैंने रिवेंज ही लिया था, रिवेंज लिया है मैंने, ठीक है। तूने भी मेरे साथ किया था ये वाला प्रैंक,
कोई बात नहीं, देखियो इसका बदला तो बहुत गंदा होगा, देखियो तुम। अच्छा, इसका बदला मैं लेके रहूंगा, देखियो तुम। देखो नींद नहीं आ रही अब? नींद नहीं आ रही, नींद तो सारी खुलवा दी तूने मेरी। खुलवा दी, ज्यादा बनता है खुद को। चलो सो जा, तो पूरी रात शूट कर करके मेरे बैक पे नूर हो रही है। अच्छा, बकवास मार रही है यहाँ पे। ले चाय पी। क्या हुआ, नहीं आ रहा कोई मुझे इसमें? तो यही तो मैं चाहती थी। पिएगा और चाय? चाय पिएगा? पिएगा चाय? क्या हालत हो गई है मेरी, तीन दिन चार बार। लेट आवर ठीक है। और शीशे में देख के तू ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएगा? ये क्या तरीका है टॉवल देने का? ये मेरा तरीका है। तरीका नहीं होता, तरीका होता है। तरीका पता है मुझे, तरीका ही होता है। कभी कभी फ्लिप मार लेती हूँ, हाथ में ऐसे आके हाथ में ऐसे पकड़ाएगा, ठीक है टॉवल तेरी नौकर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बोल दे यार, इतने दिनों बाद बोल रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और कैसा लगा आपको ये वाला प्रैंक? रिवेंज लिया वैसे तो मैंने, तो कमेंट करके बताना। और यहाँ पे निखिल को एक थप्पड़ पड़ता हुआ।